सो हाई गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ, माई नेम इज़ अभय एंड मैं बनाता हूँ ट्रैवल वीडियोज़ एंड थोड़ी बहुत लाइफ स्टाइल वीडियोज़। बट सिंस COVID-19 हैपेंड मेरे ट्रैवल के सारे प्लान्स ख़त्म हो चुके हैं। एज़ यू ऑल नो ये पूरा साल हमारा वेस्ट हो चुका है एंड यही रीज़न था कि मैं कोई वीडियोज़ नहीं डाल पा रहा था। इतने महीने से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई है एंड आज की वीडियो का मैं बहुत महीनों से इंतज़ार इसलिए कर रहा था बिकॉज आज मैं किसी से इंट्रोड्यूस करूँ अपने चैनल में, किसी एक स्पेशल इंसान तो नहीं, एक स्पेशल चीज़ से आपको मिलवाऊँगा जो मेरी लाइफ में इस टाइम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड ये पूरा साल सिर्फ यही चीज़ है जिसने मेरे को थोड़ा इमोशनली और मेंटली थोड़ा सही रखा है। सो जितने भी डॉग लवर्स हैं एंड जो एनिमल लवर्स हैं उनके लिए आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज बहुत सारी नॉलेज मिलेगी आपको इस ब्रीड के बारे में। बाकी थंबनेल एंड टाइटल देख के समझ में आ गया होगा कि किससे रिलेटेड है वीडियो। सो अभी मैं आया हुआ था अपने घर के पास, एज यू कैन सी चारों तरफ जंगल एरिया है, ये जंगल नहीं बोलेंगे इसको, बेसिकली गाँव का एरिया है एंड यू कैन सी चारों तरफ ग्रीनरी है एंड बहुत अच्छा लग रहा है। इस टाइम सुबह के 6:30 बजे हुए हैं एंड बहुत पीसफुल है, वेदर भी काफ़ी अब ठंडा हो चुका है, चेंज हो गया, विंटर इज़ ऑलमोस्ट हियर। सो थोड़ा आगे चलते हैं एंड फिर मिलवाते हैं आपको उस स्पेशल चीज़ से जिसके लिए आज का वीडियो होने वाला है। सो लेट्स गो। सो ये जो भी आपको रास्ता दिख रहा है ये जाता है सीधा एक रेलवे ट्रैक पर जहाँ पर मैं बचपन में जाया करता था। सो आज बहुत टाइम बाद वहाँ जा रहा हूँ मैं एंड सुबह के टाइम यहाँ पे काफ़ी मज़ा आता है बिकॉज बिल्कुल ही नेचर के बीच में है एंड यू कैन सी सनराइज़ भी सामने अब हो गया, ऑलमोस्ट सन इज़ ऑलमोस्ट कमिंग अप एंड इस टाइम की जो फील है वो अलग ही है एंड सामने आपको मून भी दिख रहा है। सो दोनों चीज़ इस वक्त दिखाई दे रही है तो इट्स वेरी ब्यूटीफुल राइट नाउ। सो चलते हैं थोड़ा और आगे एंड मिलवाते हैं आज के हमारे स्पेशल गेस्ट से। सो गाइस दिस इज़ द प्लेस जहाँ की मैं बात कर रहा था, मैं फाइनली वहाँ पहुँच चुका हूँ एंड एक बार व्यू चेक करो कितना सुंदर सनराइज़ हो रहा है यहाँ से। एंड जी हैं रेलवे ट्रैक्स एंड जहाँ सामने से हम आए हैं इधर, बचपन में हम यहाँ बहुत आते थे घूमने, अब काफ़ी सालों से नहीं आया था मैं यहाँ पर, आज काफ़ी टाइम बाद आया हूँ। सो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, आई नो बिकॉज बहुत लोग वेट कर रहे हैं स्टोरी जानने का एंड मिलने का जिसके लिए ये वीडियो बनाया है। सो अब मिलते हैं उसी से। सो गाइस मिलो परी से, ये है परी, यही है वो जिसको मिलवाने के लिए मैं आज इतनी दूर आपको यहाँ लेकर आया हूँ एंड इस ब्रीड को बोलते हैं डॉबरमैन। तो आज मैं आपको परी की स्टोरी सुनाने वाला हूँ कि परी का मेरी लाइफ में आने कैसे हुआ एंड मैं इसको कहाँ से लेके आया एंड किस कंडीशन में लेके आया। हम थोड़ी बहुत आपको नॉलेज भी दूंगा इस ब्रीड के बारे में कि डॉबरमैन किस तरह की ब्रीड है एंड अगर आप इसको लेना चाहते हो तो आपको इन बातों का पता होना बहुत ज़रूरी है। सो कमिंग टू परी, परी की अभी एज है अराउंड 5 मंथ्स एंड मैं इसको लेके आया था जब ये 3 महीने की होने वाली थी, 5 मंथ से भी थोड़ा ज़्यादा ही होगी। सो जब मैं इसको लेके आया था दैट टाइम इसकी जो कंडीशन थी वो बहुत ख़राब थी। वो ख़राब इसलिए थी बिकॉज इंडिया में 2 तरह के लोग होते हैं, जो एक्चुअल में डॉग लवर्स होते हैं और एक सिर्फ पैसा कमाने के लिए डॉग बिजनेस में आते हैं। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में मैंने इसको ढूंढा एंड मुझे किसी ने बताया कि वहाँ पर एक ऐसे ऐसे डॉबरमैन मिल रहा है एंड जब मैं इसको लेने गया तो इसकी जो हालत थी वो देख के ना मेरे को लिटरली बहुत तरस सा आ गया बिकॉज उन्होंने ना तो इसको प्रॉपर डाइट दी ना प्रॉपर खाना दिया। इसका जो वेट था वो सिर्फ 7 kgs था, आज ये 13.5 किलो की है एंड डॉग्स में इतना वेट गेन बहुत मायने रखता है इतने टाइम में। उस टाइम ये सिर्फ 7 किलो की थी एंड लिटरली इसकी यहाँ से हड्डियाँ दिख रही थी, यहाँ से स्किन के पैचेस उड़े हुए थे, बाल निकले हुए थे एंड इतनी बुरी हालत में थी ये बेचारी, इतनी डरी हुई थी कि ये मतलब इंसानों के पास बिल्कुल भी नहीं जाना पसंद करती थी। इसको ऑलमोस्ट 1-2 हफ्ता लगा हमारे पास भी आने में, घर में यूज़ टू होने में, मिलने में हम सबसे। एंड जब मैंने इसकी फ़र्स्ट टाइम आईज़ देखी, अगर आप इसकी आईज़ देखोगे दे आर ऑफ डिफरेंट कलर,
बहुत ही यूनिक कलर है इसकी आईज का, ब्राउन एंड हेजल कलर है, थोड़ा लाइट ब्राउन कलर के अंदर इसकी आईज है। एंड जब मैंने इसकी आईज देखी और इसको देखा, मैं बस मुझसे रहा नहीं गया और मैं इसको ले आया। सो एक तो मेरी रिक्वेस्ट है यार सभी लोगों से कि जो भी डॉग खरीदते हैं तो ऐसे ब्रीडर से लेना जो एक्चुअल में इस बिज़नेस में पैसे के लिए नहीं है, वो एक्चुअल में डॉग लवर है। क्योंकि ये जो ब्रीडर्स हैं इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कुत्ते की क्या हालत है एंड क्या, इनको सिर्फ अपने पैसे से मतलब है। तो जिस ब्रीडर से मैंने इसको लिया भी नहीं है, इसको मैंने छुड़वाया है वहाँ से, उसने किसी को इसको सेल किया था एंड वो इसका ध्यान नहीं रख पा रहा था तो उसने इसको वापस कर दिया। सो बेसिकली ये किसी के लिए भी नहीं थी, बस ये वहाँ पर थी और इसको कोई ना ध्यान रख रहा था ना खाना दे रहा था। एंड आप इसकी पूंछ नोटिस करोगे, डॉबरमैन की यूजुअली टेल डॉक होते हैं, इसे टेल डॉकिंग बोलते हैं, पूंछ काटी जाती है एंड इनके कान भी क्रॉप करे जाते हैं, ये नेचुरली ऐसे नहीं होते। सो बिफोर जजिंग मी, मैंने नहीं करवाए हैं, जब मैं लाया था जब से ऐसे हैं और मैंने इसको रेस्क्यू करवाया। एंड इनके भी क्या फ़ायदे हैं क्या डिसएडवांटेजेस हैं वो सारी मैं आपको बताऊंगा। मैंने सोचा उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, बट थोड़ी बेसिक नॉलेज इसके कान और पूंछ के बारे में मैं आपको देना चाहता हूं कि क्यों करते हैं एंड मतलब बेसिक रीज़न क्या होता है इनकी टेल डॉकिंग एंड ईयर्स का। सो वो मैं आपको थोड़ा आइडिया देता हूं अभी। सिट बेटा। सो मैं बात कर रहा था टेल डॉकिंग की एंड ईयर क्रॉपिंग की। सो डॉबरमैन के जो पपीज़ हैं यूजुअली इसलिए इसके साथ ही बिकते हैं बिकॉज इनके बिना इनको कोई ख़रीदता भी नहीं है। उसके कुछ रीज़न हैं, क्योंकि इनकी जो टेल होती है वो बहुत ज़्यादा लंबी होती है एंड जब वो बड़े हो जाते हैं ये बहुत ही फुर्तीला एंड बहुत ही फास्ट, मतलब ये इतना एथलेटिक डॉग है कि इसकी जो पूंछ है वो बड़े होने के बाद कहीं भी भिड़ के वो टूट जाती है एंड फिर वो ऑपरेशन से निकालनी पड़ती है एंड उसमें और ज़्यादा दर्द होता है। बट ये कम्प्लीटली ओनर की चॉइस है कि वो करवाना चाहता है नहीं करवाना चाहता। बट जो ये ब्रीड बनाई गई थी, जो इसके फाउंडर थे उन्होंने जब ब्रीड का ये इन्वेंट करा, उन्होंने उसको इस तरह ही बनाया था कि कान इसके क्रॉप होते थे एंड टेल इसकी डॉक होती थी। बट उसका भी एक प्रॉपर प्रोसीजर है, जब पपीज़ 10 डेज़ के होते हैं उनकी जो पूंछ होती है उसके अंदर ना तो कोई नर्व्स होती है ना कोई बोन होती है, तो जब उसको कट करते हैं तो कोई सेंसेशन फील नहीं होती। पर जहाँ तक मैं समझता हूँ परी की जो पूंछ है वो उन लोगों ने उस एज में करी है कि जब उसकी नर्व्स एंड बोन्स बन चुकी थी। एंड यही रीज़न है कि इसकी अगर आपको मैं ध्यान से दिखाऊं परी, तो बहुत ही गलत तरीके से काटी हुई है ये एंड वहाँ पे लिटरली बाल भी नहीं है उस एरिया में जहाँ से ना इसकी टेल कट करी हुई है। यू कैन सी स्किन भी दिखती है वहाँ से एंड ये उसको चाटती रहती है क्योंकि वो अभी तक ढंग से हील हुई नहीं पाई। तो इसका एक प्रॉपर तरीका होता है। सो वैसे तो ये लीगली इसके अंदर डिफरेंट रूल्स हैं, कोई इंडिया में कोई फिक्स रूल नहीं है अभी तक, वैसे इलीगल है ये करना बट सभी करते हैं। एंड इवन जो डॉग शोज़ हैं वहाँ पे भी अगर आप डॉग्स देखोगे सबके आपको ईयर्स क्रॉप्ड मिलेंगे एंड टेल डॉक्ड मिलेगी। बट मेरा मानना है यार जो भी है चलो सही है, बट एटलीस्ट उसको प्रॉपर एज में या प्रॉपर तरीके से तो करो, प्रॉपर प्रोसीजर के साथ, ना कि किसी भी एज में एंड कैसी भी हालत में तुम कर दो डॉग को। सो वो मुझे बड़ा ख़राब लगा बिकॉज ये लिटरली तुम यकीन नहीं मानोगे एक हफ्ता इसने मेरे को हाथ भी नहीं लगाने दिया इसको, जब मैं घर लाया ना मतलब ये इतनी डरी हुई थी। इवन अब भी ये नए आदमियों के पास नहीं जाती है, जो घर के आदमी हैं उनसे मिलती है एंड हम इसको खुला ही रखते हैं सारा टाइम। बिकॉज इस ब्रीड के बारे में थोड़ा मैं आपको नॉलेज देना चाहता हूँ। सो डॉबरमैन बेसिकली वर्ल्ड के जो टॉप 5 एनिमल्स हैं या डॉग्स बोल लो उनमें आता है इन इंटेलिजेंस। ये नॉर्मल एक फैमिली डॉग से बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है एंड इसकी जो शिकार करने की एबिलिटी है वो भी बहुत ज़्यादा। ये प्रॉपर एक बेसिकली गार्डिंग पर्पज़ से ये ब्रीड बनाई गई थी, इसका काम ही ये था गार्ड करना। सो इसमें दो तरह की कैटेगरीज आती हैं, अमेरिकन डॉबरमैन एंड यूरोपियन डॉबरमैन। सो जो अमेरिकन एंड यूरोपियन है उसके अंदर मेजर डिफरेंस है टेम्परामेंट का एंड उनकी प्राइसेस का भी। अगर आप सोच रहे हो कि आपको इंडिया में फॉर एग्जांपल यूरोपियन डॉबरमैन लेना है, जो कि ऑथेंटिक सबसे पहले जो आया था वो यूरोपियन ही था,
वो जो डोबरमैन है उसके जो प्राइसेस हैं वो इतने महंगे हैं कि आप हैरान हो जाओगे। मतलब मैंने एक बंदे से पूछा था बहुत पहले, क्योंकि मुझे ब्रीड में बहुत इंटरेस्ट था, तो उसने मुझे 70,000 का पपी कोट करी थी प्राइस। सो 70,000 ही आस्क्ड फॉर अ सिंगल पपी, एंड आई वाज लाइक के यार, क्योंकि ये जो ओरिजिनलिटी फैक्टर है उसकी वजह से इनके प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाइक हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग करते हैं इंपोर्ट बाहर से, एंड फलाना लाइन, ये लाइन, वो लाइन, के सी ए का ठप्पा और पता नहीं क्या क्या लगा के उसका कुछ भी नाम कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर अब मैं अपने डॉग को इतना अच्छा वेल बिल्ट बना लूँ या तो कितनी अच्छी मैं केयर करूँ, तो आगे जाके मैं कोई मेरे पास आए तो, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ब्रीडर हूँ, अगर जो कि मैं नहीं हूँ, तो मैं कुछ भी कह के बेच सकता हूँ, वो बिक जाएंगे पपीज़। इंडिया में इतना बुरा हाल है यार, मतलब डॉग लाइन में, डॉग बिजनेस में, किसी को डॉग से कोई लेना देना नहीं है, सबको बस दो तरह के लोग हैं। एक को हवाबाजी करनी है कि हमारे पास ये डॉग है, ये है, ये फलानी लाइन का है, ये उसके फादर मदर ये हैं, फादर मदर के नाम पे व्हाट्सएप पिक्चर दिखाएंगे, कुछ और मिलेगा, कुछ और, मतलब इतनी धोखाधड़ी होती है यहाँ पर। तो ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए अगर आप डॉग लेने का सोच रहे हो। अगर आप उस कैटेगरी में होंगे, आपको फ़र्क नहीं पड़ता ब्रीड क्या है, क्या वो है, तो वो तो बेस्ट ही है। इंडियन ब्रीड जितनी सारी हैं, किसी को भी अडॉप्ट करो। मेरे घर पे नॉर्मल कुत्ते भी हैं जिनको हम रोज़ खाना देते हैं, एंड इसके अलावा एक इंडियन गद्दी ब्रीड है जो पहाड़ी कुत्ते होते हैं, वो भी है मेरे पास। जिन्होंने मेरी फार्म हाउस की वीडियो देखी होगी, उन्होंने उनको देखा होगा उस वीडियो में, उनके ऊपर भी मैं जल्द एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा। बट डोबरमैन का साथ मेरी फैसिनेशन कुछ ज़्यादा ही थी, कुछ सालों से मैं इनके बारे में स्टडी कर रहा था। सो जो मैंने, जो परी है बेसिकली, ये एक अमेरिकन डोबरमैन है, एंड अमेरिकन डोबरमैन यूरोपियन से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं इन टेम्परामेंट वाइज एंड इन नेचर वाइज, क्योंकि जो अमेरिकन लाइन है ये प्रॉपर एक फैमिली डॉग है। जो यूरोपियन है वो स्ट्रिक्टली एक वर्किंग डॉग है, उसका काम ही है कि वो गार्ड करना, उसे काम करवाना, एक्सरसाइज एंड फिटनेस ये भी मांगता है, बट ये स्टिल फैमिली में एडजस्ट हो जाएगा। जो यूरोपियन है उसमें आपको थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आएंगी अगर आप फर्स्ट टाइम ओनर हो तो। सो अगर कोई डोबरमैन लेने का सोच रहा है तो इन सब बातों का उनको पता होना चाहिए। आने वाले टाइम में मैंने सोचा मैं सेपरेट वीडियोस बनाऊंगा परी के साथ, एंड अलग अलग चीज़ें बताऊंगा आपको इस ब्रीड के बारे में भी। एंड फ्यूचर में जो ट्रैवलिंग होने वाली है, मैं चाहता हूँ मैं ट्रैवलिंग पे अपने साथ ही इसको लेके जाऊं। सो पहाड़ों पे भी आपको देखने को मिलेगा कि परी मेरे साथ ही ट्रैवल करेगी। एंड मैंने इसका एक इंस्टाग्राम पेज भी बनाया है, इफ़ यू वांट टू फॉलो हर, या इससे रिलेटेड कोई आपके पास भी डॉग है या डोबरमैन है उससे रिलेटेड कोई आप बात करना चाहते हो, यू कैन कनेक्ट देयर। इसका यूज़र नेम है परी द डोबर वूमन, स्क्रीन पे भी आ रहा होगा, सो यू कैन फॉलो हर देयर, और आप मेरे को फॉलो कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम आपको बायो लिंक में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। सो ये कुछ बातें थी जो मैं शेयर करना चाहता था। बाकी यार, वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि अगर डॉग लेते हो तो ये फेसबुक प्रोफाइल, व्हाट्सएप वीडियोज़ या फ़ोटोज़ देख के कभी मत खरीदना। जाके पहले ब्रीडर को मिलना, किस तरह का वो इंसान है, कि जहाँ वो ब्रीडिंग कर रहा है, कि अगर वो एक्चुअल में अच्छी ब्रीडिंग कर भी रहा है, तरीके से वो रख रहा है डॉग्स को, क्या मतलब एज अ पर्सन वो है कैसा, वो डॉग तो बेच रहा है बट एक्चुअल में वो डॉग लवर है भी नहीं है, क्योंकि जो आप उससे चीज़ लेके आओगे ना वो आपके साथ घर में रहने वाली है बहुत टाइम तक। तो सो आपको ये सब बातें पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास गलत कुत्ता आ गया, कुत्ता कोई गलत नहीं होता बट स्टिल कई बार उनको इस तरह रखा जाता है कि वो उनका टेम्परामेंट वो उस तरह का हो जाता है कि आप समझ रहे हो फैमिली में वो एडजस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि उनके ब्लड में ही वो ब्लड लाइन ही वैसी होती है कि उनका उनको लड़ाई करवाते हैं लोग, क्योंकि इंडिया में ये सब बहुत होता है, मैंने देखा हुआ है, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहे हैं कुछ ऐसे पास्ट में। सो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। रेस्ट आने वाले टाइम में मैं बहुत जल्द और वीडियोज़ डालूंगा इसके साथ, अभी बस एक क्विक अपडेट देने के लिए मैं आज यहाँ लाया था इसको, एंड मैंने सोचा आज इंट्रोड्यूस करवा ही देता हूँ परी को चैनल पर। सो मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, एंड जाने से पहले परी से बाय टू द सब्सक्राइबर्स। इससे मिलवाएंगे आपको बहुत जल्द, एंड अगर अच्छी लगी आपको परी तो एक बार लाइक कर देना वीडियो को, एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब।